यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रामराज में भी रिश्वतखोर अधिकारी हैं। जी हाँ, रिश्वतखोर अधिकारी ऐसे घूम रहे हैं जैसे चोर और पुलिस एक हो रखे हों। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बस्ती का एक वीडियो भी यही बयां कर रहा है। देखिए, ये बस्ती के परिवहन विभाग का रिश्वतखोर बाबू है जिसके अकाउंट में सैलरी तो महीने के आखिरी तक आ जाती है लेकिन इससे इसका पेट नहीं भरता और फिर जनता से रिश्वत के नाम पर रुपए इकट्ठे करता है। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीर को गौर से देखिए तो फाइल पलटता हुआ दिख रहा ये शख्स रिश्वत लेने के लिए फाइलों का सहारा ले रहा है लेकिन फाइलें पलटने के दौरान ही एक युवक से पैसे लेता दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो में पैसे देने वाला व्यक्ति तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन ये साफ है कि कई नोट वो ले रहा है और ये नोट उसने बतौर रिश्वत ली है। इस बात की पुष्टि ऐसे हुई है कि बड़े साहब के संज्ञान में मामला आने के बाद उसका तबादला कर दिया गया। बड़े साहब के संज्ञान में है। अच्छा। बड़े साहब ने कल उस पर कार्रवाई की है और जो है जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है जी। और उनको हटा करके यहाँ से ड्यूटी निर्वाचन सेल में लगा दी गई। जितेंद्र यादव जी, ये क्या है सहायक लिपिक? ये आरटीओ ऑफिस का सहायक लिपिक जितेंद्र यादव है जिसके बारे में बोलने से अधिकारी भी बसते दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है। खबरें अभी तक के लिए बस्ती से कैलाश पांडे की रिपोर्ट।